नमस्कार साथियों, शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत। कल 20 मई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 12th में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो तीनों संकाय है उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। और हर बार की तरह विशेषकर इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। जिन विद्यार्थियों ने अच्छे अंक के साथ 12th क्लास उत्तीर्ण कर ली है उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं, और जिन विद्यार्थियों को कम परसेंटेज मिले हैं या फिर उनकी जो कल्पना थी उनके हिसाब से कम है कि उनके नंबर ज्यादा आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए, कहाँ कमी रही है, रीटोटलिंग में कमी रही है या फिर उत्तर पुस्तिका चेक करने में कुछ कमी रही है, तो उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें वो उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त कर सकते हैं और अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किस प्रकार करेंगे और आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसकी जो फोटो प्रति है वो मेल से या फिर डाक से किस प्रकार मंगवा सकते हैं, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को देख पाए। सबसे पहले मैं अधिसूचना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं, जिसमें इन्होंने ये बताया गया है कि अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट है जो rajasthaneducationboard.rajasthan.government.in पर स्वेच्छा आवेदन पत्र डाउनलोड या फिर प्रिंट कर निकटतम ई मित्र केंद्र पर परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस की अवधि में सामान्य शुल्क ₹300 है ना। कल परिणाम जारी हुआ है तो आप 30 मई तक ₹300 प्रति विषय पे करके उत्तर पुस्तिका एवं उसके पश्चात आगामी 5 दिवस में विलय शुल्क ₹300 यानी टोटल 600 तो फीस और 300 लेट फीस, टोटल ₹600 दे करके आप 5 जून तक उत्तर पुस्तिका मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी स्व प्रमाणित आईडी अपलोड कर ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर अभ्यर्थी स्वयं के स्तरीय ई मित्र केंद्र पर बोर्ड वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2024 लिंक पर आवेदन कर सकता है। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग ई मित्र सॉरी डेबिट क्रेडिट कार्ड से तथा ई मित्र से आवेदन करने पर ई मित्र के द्वारा आप शुल्क जमा करवा सकते हैं। परीक्षार्थी स्वयं के लिए ही आवेदन करें, अन्य किसी के लिए आवेदन करना दंडनीय या आपराधिक माना जाएगा। डाक अथवा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, आपको बोर्ड की वेबसाइट से एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट करवा के फिर आपको उसे भरना है। वो भरने के बाद आपको वापस बोर्ड की वेबसाइट से ही आप ऑनलाइन आवेदन करना है। यह बोर्ड की वेबसाइट है, इसमें यहाँ पर स्क्रूटनी 2024 करके एक टैब दिया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ रूल्स बताते हैं। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 मई और विलंब शुल्क के साथ 4 जून है। यह तीनों आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए और वरिष्ठ उपाध्याय के लिए। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए जो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद का, या फिर ओटीपी जनरेट करने के लिए अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। ये आपकी गाइडलाइन है कैसे अप्लाई करना है, वो इसमें बता गया है। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे, फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भर के दोबारा अपलोड करते हो तो यहां से लॉगिन करना है। अब कैसे अप्लाई करना है तो वो मैं आपको बता दूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम में किए गए प्रावधान अनुसार समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच करना समाविष्ट नहीं है। समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका प्रदत्त अंगों के योग में भिन्नता, अंदर बार में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो, उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि आपका पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा और पुनः जांच भी नहीं होगी। अब तो हम ₹300 दे के जो करवा रहे हैं उसमें होगा क्या, तो उसमें
जो अंक में भिन्नता अंकों के योग में, मान लिए आपने 15 क्वेश्चन है और प्रति क्वेश्चन आपको दो अंक मिले हैं तो उनका योग 30 होता है, जबकि आपको 28 दे रखे हैं तो एक तो वो सुधार होगा। अंदर बार में भिन्नता, अंदर मान लो 35 लिखे हुए हैं 35 अंक और बार 20 या 25 लिखे हुए तो वो सही होगा। योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए, कोई क्वेश्चन है जिसे चेक भी नहीं किया गया हो या अंक नहीं दिया गया हो, उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि आदि त्रुटियों का निवारण किया जाएगा। यानी दोबारा उत्तर पुस्तिका जांच नहीं होगी और दोबारा मूल्यांकन यानी पुनर्मूल्यांकन भी नहीं होगा। अगर कुछ त्रुटि रही है, कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है जिसकी जांच नहीं हुई हो, या फिर जो टोटलिंग है उनमें अगर डिफरेंस है तो वो यहाँ पर चेंज होगा। आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं की आईडी आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी। आपको स्वयं की आईडी, आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जो भी है सब प्रमाणित आपको अपलोड करना होगा। सामान्य शुल्क रुपए 300, विलंब शुल्क 700, प्रति उत्तर पुस्तिका शुल्क निर्धारित है ना, आपको प्रति विषय 300 रुपए 30 मई तक और 4 जून तक 700 रुपए देने होंगे। इसके अलावा 26 रुपए प्रति आवेदन ई मित्र सेवा शुल्क अलग से होगा। परीक्षार्थी के सुविधा ध्यानार्थ परिणाम घोषणा के बाद निर्धारित तिथियां राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों एवं बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। इसके अलावा जिन विषयों में प्रैक्टिकल है उनमें प्रैक्टिकल की जो पुस्तिका है वो अलग से मिलेगी, तो उसके लिए आपको जब आप समीक्षा फॉर्म भरे, स्क्रूटिनी फॉर्म भरे, तो आप ध्यान रख के उसको अलग से चेक करें। इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी पूर्ति आवेदन पत्र के साथ आईडी प्रूफ के साथ बिंदु संख्या 1 है ना ई मित्र के माध्यम से या फिर आप अपने स्तर पर कर सकते। परीक्षार्थी एक अथवा अधिक सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा, अतः एक ही आवेदन में वांछित सभी विषय अंकित करें। ये क्या कह रहा है कि आप एक विषय के लिए कर सकते हो, दो के लिए कर सकते हो, या टोटल 5 विषय उनके लिए कर सकते हो, लेकिन जब आप 5ों के लिए करते हो तो आपको एक ही बार में 5ों विषयों के लिए आवेदन करना होगा। आप बार बार आवेदन या फिर अलग अलग विषय का अलग अलग आवेदन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। या फिर जब आप आवेदन कर रहे हो तो पहले निश्चित कर ले कि आपको कौन कौन सी विषय का, कितने विषय का आवेदन करना है। परीक्षार्थी आवेदन करते समय अंकित प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर ले, विशेष रूप से विषय, प्रैक्टिकल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल आदि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से भरे। एक ईमेल आईडी तथा एक मोबाइल नंबर एक का ही पंजीयन किया जाएगा। यदि आपके दो भाई या फिर भाई बहन, आप दोनों 12th में हो और दोनों रीचेकिंग करवाना चाहते हो, रीटोटलिंग करवाना चाहते हो, तो आपको 2 ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर चाहिए होंगे। ईमेल मोबाइल नंबर में त्रुटि होने पर गलत स्थान पर स्कैन उत्तर पुस्तिका पहुंच सकती है, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बोर्ड आवेदन पत्र में भरी सूचना के आधार पर उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करता है एवं उत्तर पुस्तिका स्कैन प्रति प्रेषित करता है। आवेदन विषय की जांच भली भांति कर ले, यानी आपको स्कैन जो प्रति है उत्तर पुस्तिका की वो आपको मिलेगी, आपको ईमेल के जरिए वो प्रति मिल सकती है, इसलिए आपकी ईमेल आईडी जरूर चेक कर ले। आवेदित विषय से यदि किसी विषय से अंक परिवर्तित होंगे तो केवल उस विषय विशेष का मूल का समीक्षा शुल्क 300 प्रति विषय कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटा जाएगा। अतः आवेदक आवेदन पत्र में अपना बैंक अकाउंट विवरण सही एवं पूर्ण अंकित करें। बैंक खाता अपूर्ण होने की स्थिति में यदि शुल्क उसके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाता तो इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यदि आपके अंक में चेंज होता है तो आपकी जो फीस है 300 रुपए या 600 रुपए वो लौटा दी जाएगी। चेंज होता है तो ठीक है, उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट या जो बैंक नंबर है वो सही से भरना है, उनके आईएफएससी कोड, बैंक शाखा, बैंक होल्डर नेम वगैरह आप अच्छी तरीके से देख ले। आवेदन करने के पश्चात क्या प्रक्रिया है कि परीक्षा के लिए निर्धारित विलंब शुल्क की अंतिम तिथि के बाद आवेदित सभी परीक्षार्थियों का डाटा क्रमबद्ध कर प्रत्येक परीक्षार्थी पंजीकरण संख्या आवंटित कर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या आवेदित विषयों का नाम सूचित किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थी आश्वस्त हो सके उसका आवेदन पत्र बोर्ड को प्राप्त हो गया। 4 जून के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगा और किन किन विषयों के लिए आपने अप्लाई किया है वो जानकारी
आपको मिलेगी। आवेदन पत्रों का निस्तारण परीक्षावार संकायवार क्रमानुसार किया जाएगा। बोर्ड स्तर पर वांछित कार्रवाई उपरांत आवेदन पत्र का निस्तारण होने के बाद समीक्षा परिणाम यथा चेंज अथवा नो चेंज की सूचना मैं उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड वेबसाइट पर स्कूल लिंक पर अपलोड की जाएगी। इसकी सूचना परीक्षार्थी को SMS एंड ईमेल पर भी दी जाएगी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। अब क्या है कि जब आपने आवेदन कर लिया है, आपको मैसेज मिल गया, फिर क्या होगा कि जिसके चेंज हो गया है या फिर नो चेंज हुआ है, आपको एक तो SMS मिल जाएगा या फिर आप पासवर्ड जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे वहां से आपको लॉगिन करके भी आप वो जानकारी ले सकते हो। उक्त लॉगिन आईडी पासवर्ड आधार 10 दिवस के भीतर वेबसाइट पर लिंक से अपनी उत्तर पुस्तिका देख डाउनलोड या प्रिंट कर सकता है। सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, 10 दिनों के बाद वो वापस हटा दी जाएगी। जब डाटा आपको चेंज नो चेंज का मैसेज मिल जाए तो आप 10 दिवस के भीतर अपनी जो उत्तर पुस्तिका जिसके लिए आवेदन किया है, चाहे चेंज हुआ हो या नहीं चेंज हुआ हो, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि 10 दिवस में उत्तर पुस्तिका देख ले, 10 दिवस पश्चात उत्तर पुस्तिका वेबसाइट से हटा ली जाएगी, जिसके लिए परीक्षार्थी या आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के बाद आपत्ति। बोर्ड द्वारा नियमानंतर उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करवाई, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका निस्तारण करने के बाद ही उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी भेजी जाती है। यदि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात परीक्षार्थी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 10 दिवस में निकटतम ई मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर आपत्ति के निर्धारण पत्र में मैं विवरण यथा विषय का नाम प्रश्न संख्या व आपत्ति के संबंध में प्रमाण से निर्धारित आपत्ति शुल्क 100 एकमुश्त चाहे एक से अधिक विषय हो के साथ ऑनलाइन आवेदन कर दे। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आपत्तियां ऑनलाइन ही स्वीकार होगी, ऑफलाइन हार्ड कॉपी में आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। परीक्षार्थी की आपत्ति प्राप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति को आपत्ति निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति द्वारा समीक्षा नियमांतर्गत की गई अनुशंसा के आधार पर आपत्ति का निवारण किया जाएगा। परीक्षार्थी को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा जो अंतिम होगा। विगत वर्षों का अनुभव यह देखा गया परीक्षा वृद्धि की अपेक्षा तुरंत आपत्ति प्रश्न, परंतु विगत वर्षों में ऐसी आपत्तियों पर आपत्ति निवारण विश्लेषण आदि अधिकांश आपत्तियां खारिज की गई, अतः अंकों में वृद्धि की संभावना मात्र पर आपत्ति नहीं करें, वास्तविक त्रुटि एवं तथ्यों के आधार पर ही आपत्ति प्रस्तुत करें। अब इन्होंने क्या कहा है कि जब आपको आपकी स्कैन प्रति मिल जाती है उसके बाद भी आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो आप 100 रुपए की रस्से जो फीस है वो कटवाकर आप विषय का नाम प्रश्न संख्या और उस पर क्या आपत्ति है वो आप वापस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बात का इन्होंने यह भी कहा है कि आप सिर्फ मात्र कि आपके अंक बढ़ रहे हैं यानी आपके नंबर बढ़ने की संभावना को लेकर आप आपत्ति दर्ज नहीं करवाए। यदि आपको लगता है कि यहां वास्तव में गलती हुई है तो ही आपत्ति दर्ज करवाए, आप सिर्फ संभावना मात्र में आपत्ति ना दर्ज करवाए, ठीक है। आवेदक या अभिभावक से अपील। बोर्ड द्वारा छात्रों के भविष्य अग्रिम प्रवेश आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद तथा एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, ये अत्यंत साध्य पूर्ण कार्य है। इसके निस्तारण सभी सार्थक प्रयासों के बाद भी यथोचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः परीक्षार्थी से अपील है कि उनका नंबर आने तक धैर्य बनाए रखे, अनावश्यक जल्दी नहीं करें, वे अनावश्यक फोन भी नहीं करें। बोर्ड विद्यार्थी हितों के प्रति सदैव चिंतित एवं संवेदनशील स्थिति बोर्ड वेबसाइट पर देख सकते हो। मतलब इन्होंने यही कहा है कि यदि आपने आवेदन कर लिया है, आपको कहीं अग्रिम एडमिशन लेना है तो वो चीज हम भी समझते हैं, इसलिए आप अनावश्यक फोन न करें, हम जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करने का प्रयास करें। इसके अलावा इन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इन नंबरों पर कॉल करें। इसके अलावा आप अपना जो स्क्रूटनी फॉरम समीक्षा फॉरम का स्टेटस है वो अपनी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी देख सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले किसी भी संदेह समस्या मामले छात्रों को ईमेल bser.marks@gmail.com या 7339856524 कॉल करने की सलाह दी जाती है। मैंने बताया था स्क्रूटनी फॉरम, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो आपको एक टैब मिलता है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस बटन पे क्लिक करना है। हम पहले देख चुके हैं, अब न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉरम वाला एक ये वेब पेज है वो आपको प्रदर्शित होगा, जिसमें आपकी क्लास
रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच नंबर, आपका एड्रेस, पिन कोड और अपलोड आईडी प्रूफ। ये ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे। वो भरने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है, अंडरटेकिंग यस करना है और रजिस्टर करना है। एसएमएस द्वारा ओटीपी भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें, आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है, अंडरटेकिंग यस और रजिस्टर पर क्लिक करना है। नेटवर्क सम्मिश्रीकरण तो कृपया आपने दर्ज किया मोबाइल नंबर, यदि साथ तक नहीं सही ओटीपी दर्ज किया, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड ईमेल पर आ जाएगा। छात्र यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद छात्र द्वारा दर्ज किए गए डेटा के साथ एक नया वेब पेज और सभी विषय प्रदर्शित किए जाए, तब वह उन विषयों का चयन कर सकता है जिन्हें वह पुनर्योग प्राप्त करना चाहता है। छात्र आवेदन करने और जारी रखने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फिर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास सब्जेक्ट मिलेंगे सारे, लॉगिन आईडी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारों आपको मिलेंगे। और फिर आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने इंग्लिश और फिजिक्स के लिए किया है, अप्लाई टू कंटिन्यू कर दिया। इसके अलावा जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर अप्लाइड आ जाएगा, बाकी में लिखा हुआ है फॉर अप्लाई के लिए, सेलेक्ट फॉर अप्लाई। आप चाहो तो बाकी वालों में भी कर सकते हो। चयन करने के बाद क्लिक पे नाउ बटन पर भुगतान करें। रीटोटलिंग स्थिति जानने के लिए छात्रों को अपने आईडी और पासवर्ड मिलने का इंतजार करना होगा, जो कि 10 दिन के अंदर उसके एसएमएस या ईमेल से प्राप्त करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, यह थी आवेदन करने की प्रक्रिया, कौन आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, और रीटोटलिंग के लिए या फिर रीटोटलिंग में क्या होगा, उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच होगी, पुनर्मूल्यांकन होगा, वो सारी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर लगता है कि मुझे रीटोटलिंग करवानी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की प्रक्रिया भी हमने जान लिया है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।